शिव मंदिर लाइन में दो दिन पहले चार घरों में चोरी हुई, चार घरों में चोरी हुई। एक घर में चोर ने मुर्गा चोरी करके ले गया, एक घर में खिड़की तोड़ दिया, एक घर में जब चोरी करने चोर जा रहा था तो पूरी नग्न अवस्था में था, घर की बच्ची देखी और दहशत में आज भी उसका तबीयत खराब है। एक घर में और चोरी हुई, मेरी बहन भी यहाँ खड़ी हुई है। इन लोगों ने मुझे दूरभाष में उस दिन बताया, इन लोगों ने सबसे पहला काम किया कि 100 नंबर में डायल किया। 100 नंबर में डायल करने के बाद वहाँ पुलिस पहुँची, पुलिस ने कहा कि आप मामला थाना का, थाना में एफआईआर दर्ज कराइए। ये लोग सुबह थाना में 9 बजे परसों मुकदमा दर्ज किए, और जब मुकदमा दर्ज किए तो थाना में जो मंडल दरोगा साहब थे उन्होंने कहा कि क्या क्या चोरी हुआ, तो मुर्गा चोरी हुआ, दरवाज़ा तोड़ा गया है। तो बोला जिस दिन चोरी आए होगा उस दिन मेरे ऊपर मुकदमा कीजिएगा, चोर आने से मुकदमा हम दर्ज नहीं करेंगे। साथ ही आप वैसे जगह में क्यों रहते, अपना घर बिक्री कर दीजिए, ये तो हद हो गई भाई। उसके बाद इन लोगों के मोबाइल में चोर का फोटो भी कैद है। फिर इन लोगों ने जब थाना वाला नहीं आया तो जो चोर था, अपराधी किसी में जो व्यक्ति था, वो चार नौजवानों को भेज के चौक चौराहे में खड़ा होकर बोला क्या कर ली मेरा, हम फिर करेंगे। और जब मेरे को कल मामले की जानकारी मिली, मैं इनके घर गया, घर से मैं थानेदार साहब को फ़ोन किया, मंडल जी को, भवनाथ मंडल जी को फ़ोन किया, मैं तो हद रह गया। दो दिन पहले चोरी हुई है, बड़ा घटना को अंजाम देने के लिए चोर घर में घुसे थे, उसकी जानकारी जब मैंने थानेदार को दिया तो थानेदार कहा मुझे कुछ मामले की जानकारी नहीं है। तो हमने कहा लो तो FIR किया जो मेरे हाथ में है। उसके बाद इन्होंने अपने अफसरों से पूछा तो अफसरों ने मामला को लिपापोती करने का प्रयास किया। आज हम इन बहनों के साथ मुकदमा दर्ज कराने आए हैं, और साथ ही अपराधी जो चोर उसको गिरफ्तार करवाने आए हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी तो मामले को लेकर SSP के पास जाएंगे।